वेलकम बोनलेस तो छोटी साइज की एक प्याज इसको चॉप कर लिया था बड़ी वाली हरी मिर्ची लिए हैं मैंने आप लोग चाहें तो छोटी वाली भी ले सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कप चीज ली है मोजरे चैटर जौन सी भी चीज लेनी हो ले लीजिएगा आप लोग तेल लिया हसबे जरूरत वन टेबल स्पून मैंने लिए सोया सॉस वन टेबल स्पून लिया मैंने चिल्ली सॉस वन टेबल स्पून मैंने लिया है वेनेगर टू टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है नमक लिया है हसबे जायका काली मिर्च लिए हैं मैंने हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चें लिए है मैंने हाफ टेबल स्पून तो जी यहाँ पे एक पैन ले लिया उसके अंदर थ्री टू फोर टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला ऑयल के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी प्याज को ब्राउन मत कीजिएगा प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है हमें तो प्याज को हम यहाँ पे सॉफ्ट करेंगे प्याज हमारी यहाँ पे सॉफ़्ट हो जाए तो उसके अंदर हमने ऐड करनी है अपनी चिकन प्याज को ब्राउन मत कीजिएगा सिर्फ सॉफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड करनी है प्याज मेरी ब्राउन हो सॉफ्ट हो गई सॉरी ब्राउन मत कीजिएगा सॉफ्ट कीजिएगा सॉफ्ट हो गई मेरी अब इसके अंदर हमने चिकन ऐड करनी है चिकन को अच्छी तरीके से हमने इसके बाद मिक्स करना है उसके बाद यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है उसके बाद जी हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है हसबे ज़रूरत और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करके कवर करके रख देना है जब तक हमारी चिकन गल ना जाए यहाँ पे चिकन मेरी गल गई थी इसके अंदर हाफ कप हम क्रीम ऐड करेंगे ऐसा हो सकता है मैं कोई चीज़ दिखाना ना भूलूं तो मैं क्रीम दिखाना भूल गई थी तो आप लोग क्रीम ऐड करेंगे जब फिर सारे मसाले ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे इसके बाद हम लोग ने मिर्च ऐड करनी है आप लोग चाहते हो इस पॉइंट पे आप लोग कोई सी सब्जी भी ऐड कर सकते हैं मैंने नहीं करी तो इसको अच्छी तरीके एक दफा मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस सो और रेड चिली सॉस और वेनेगर सारी चीजें ऐड करेंगे अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे जी अच्छे तरीके से तो मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे को बंद करना है और इसके अंदर ऐड करनी है चीज़ चूल्हे को बंद करके ऐड करिएगा चीज़ ऐसा ना हो साथ में चीज़ भी पका दें चीज़ को नहीं पकाना सिर्फ चूल्हे को हमने बंद करके चीज़ को उस पर डालना है और एक दफ़ा मिक्स मिक्स कर लेना है मिक्स करना है यहाँ पर हमने ब्रेड ली ब्रेड को हमने जो है बेलना है हल्के हाथ से बेलिएगा तेज़ हाथ से मत करेगा ना टूट जाएगी और फ्रेश ज़्यादा फ्रेश ना हो बस फ्रेश हो काफ़ी दिन पुरानी ब्रेड ना हो और यहाँ पे इसको दुबला पतला सा हमने ब्रेड को करना है इसके ऊपर हमने यहाँ पे बीच में चिकन रखनी और हाथ को हौला रखना ज़्यादा ताकत मत दिखाना उन्हें टूट जाएगी टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है टेंशन नहीं लेनी बस अपना फोल्ड करना है इसको आराम से ये देखिए फोल्ड करने के बाद साइड से प्रेस करना है और ये ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी ये देखिए जिस यहाँ पे सारे मेरे बन चुके हैं यहाँ पे मैंने अंडा लिया उसको फेटा ब्रेड क्रम्स लिए मैंने यहाँ के बाहर के लिए आप लोग घर में ही बना सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से मैंने रोल को डिप किया उसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगाए ये देखिए जी अब मैं दूसरा भी बनाना दिखाती हूँ बना के दिखाती हूँ अंडे में डिप किया ब्रेड क्रम्स में हमने इसको लगाया बस हमारे तैयार हो गए ये देखिए जी सारे तैयार कर लूँगी ऐसे अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया उसको तेल को गरम कर ले तेल को ज़्यादा गरम इतना भी मत करेगा लेकिन ठंडे तेल में भी मत डालेगा अंदर रोटी सारा तेल पी जाएगी आपका तो और इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक ये एक साइड से ब्राउन ना हो जाए ब्राउन होए फिर टर्न करना है उससे पहले नहीं करिएगा ये देखिए जी यहाँ पे ब्राउन हो गए थे टर्न कर लिए मैंने और बड़े मज़े के हमारे चिकन ब्रेड रोल तैयार है ज़रूर ट्राई करिएगा कमेंट में बताइएगा अल्लाह हाफिज़